अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शहजाद से पढ़ा कर, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद, मेरा ताल्लुक है आपके साथ थोड़ा सा। यस सर, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है और मेरे बात में जो भी हाथ की लकीरें देखता था कहता था तेरे हाथ में पढ़ने की रेखा नहीं है वाले। मैंने कहा अच्छा, तो लेट्स प्रूव देम रॉन्ग एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। बस उस साल से भी मैं फर्स्ट आता रहा अपनी क्लास में। अल्टीमेटली आई गॉट इट टू एमबीबीएस और एमबीबीएस के बाद फिर सीएसएस किया, पीएमएस किया, ये जो आजकल पीसीएस के रहता है, फिर पीसीएस पहले के रहता था, आजकल पीएमएस के रहता है। ये किया, फिर सोचा डीएचएमएस कर लेते हैं, वो होम्योपैथी का, वो बाद में फेल हो गया, लोगों ने मना कर दिया, डीएचएमएस खत्म हो गया। आई केप्ट ऑन डूइंग बट माई हैंड्स डिडंट सेव, बिकॉज किस्मत उनकी भी होती है ना जिनके आप नहीं होते। किस्मत तो अल्लाह ने हर एक की बनाई होती है। सो कट द लॉन्ग पॉइंट शॉर्ट, वी आर ट्राइंग टू ऑफर यू थ्री थिंग्स। नंबर वन, दैट व्हेन यू कम इनटू द एकेडमी एंड व्हेन यू लीव द एकेडमी, देयर शुड बी अ डिफरेंस इन योर थिंकिंग, इन योर एटीट्यूड, इन योर एटिकेट्स एंड इन योर knowledge, a knowledge that can be utilized for the final examination. ये बात आप समझ गए इस बात? Yes, yes sir. बात कितनी छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन उनके बहुत दूरस्थ नतायज होते हैं। For example, अगर मैं किसी बच्चे से कहूँ कि आपके कपड़ों का रंग ठीक नहीं है, आपके जूते ठीक नहीं है, आपकी क्लासेस ठीक नहीं है, हमारी साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे आती हैं, वो बच्चों को गाइड करती हैं कि बेटा अगर आप ये थोड़ा सा काम यू कर लेते, यू मस्ट हैव बीन लुकिंग अ वेरी पॉलिश्ड बॉय और अ गर्ल। तो खबरदार, तो हमारी वैसे मेकअप पर टाइम ज़्यादा लगा लेती हैं थोड़ा सा। तो बच्चे जो हैं हमारे, वो तीन दिन पुरानी पहनती हूँ, वो देखते हैं, उसके बाद कहते हैं अभी तो नहीं है, पहन लेता हूँ, और पहन के आ जाते हैं। तो वी आर जस्ट गोइंग टू चेंज लिटिल बिट ऑफ हैबिट्स विदाउट सेइंग कि लड़के अच्छे नहीं होते या विदाउट सेइंग कि लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। दिस इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर, वी स्ट्राइव फॉर good boys, good students, and students who will perform. अच्छा, why would you go into such a like a problematic field जहाँ पे लोग fail हो रहे हैं? Do you think about it? आप CSS करने आए हैं ना बच्चों? Yes, yes. तो why आप क्यों आ गए हैं? मतलब ये देख के कि इस दफा जो बड़ा मुश्किल पेपर आया था, why have you come? तो कोई एनीबॉडी वन पर्सनालिटी ना आंसर के आप क्यों आए सर? हाँ, इससे पहले मैं पीएमए की प्रिपरेशन की थी, तो हाँ, इतना पता नहीं था उसके लिए, तो उससे नो रिकमेंड हुआ था। उसके बाद मैंने कहा कि आप सीएसएस इसके लिए मैंने गुड। अच्छा बच्चों, बात यह है बेसिकली कि दुनिया में सबसे बड़ी जगह वो है जिसको हम सबसे छोटी जगह समझते हैं। पहाड़, अगर आपने कोई देखा हो एक सिंगुलर पहाड़ का एक टुकड़ा जो पहाड़ होता है बेसिकली, तो उसमें सबसे छोटी चीज क्या नजर आती है? पहाड़ की चोटी। और मजे की बात याद रखिएगा कि पहाड़ की चोटी पे हमेशा जगह होती है कि कोई दूसरा आ जाए। तो ये जो हमारी हायरार्की है सर्विसेज की, हमारी सर्विसेज की हायरार्की में हमेशा वहां जगह है जहां पे और कोई नहीं है। अच्छा, आपका कितने लोगों से मुकाबला है? एक और बड़ा इशू है कि जी मैं पंजाब से जा रहा हूँ, 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ लोगों में मैं क्या करूंगा, मैं क्या अचीव करूंगा और मेरी अचीवमेंट्स क्या करेंगी? आखिर मैं कौन एक बंदा जो 22 करोड़ लोगों के साथ मुकाबला करने चला है? फिर एक और बड़ा इशू जो होता है वो हम घरवालों को बता देते हैं, पहले रिश्तेदारों को बता देते हैं, अखबार में इश्तिहार लगा छोड़ते हैं, स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को बता देते हैं, और जो ही जाते हैं वो कहते हैं जी एसी साहब आप ठीक हैं, और जी अपना एएसपी साहब आपकी तबीयत कैसी है, एंड दे स्टार्ट, आई डोंट नो, दे मे बी फनी, दे मे बी लाइक गुड पीपल, आई डोंट हैव एनी ग्रजेस अगेंस्ट देम, बट देन दे डिमोरलाइज यू वन वे और द अदर, बिकॉज देन यू हैव टू लिव अप टू देयर स्टैंडर्ड्स। अब उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सोचता बंदा, अच्छा सवाल ना आए किसी का केमिस्ट्री का जो आप तो कहते हैं हो गया तेरा सीएसएस, तो आप कहते हैं कि भाई सीएसएस का तो कोई ताल्लुक नहीं है इस केमिस्ट्री से, मैंने नहीं रखा हो, बट नोबडी बिलीव्स यू। तो व्हाट आई वुड से इज सजेस्ट इज स्टार्ट टू स्टडीज कूल एंड कम। क्या चीजें हैं जो हम यहां पे ऑफर कर सकते हैं और आप क्यों आए हैं, मैं तो उसको जवाब दे दूं।
बच्चों बात यह है कि एक तो हमेशा ऊपर जगह होती है, दूसरी बात यह कि जो आपको बेसिकली नजर आ रहा होता है वो मुकाबला, मुकाबला वो नहीं होता। हमारा ये ख्याल है कि अगर 18,000 या 20,000 या 22,000 बच्चे मौजूद हैं जो इस दफा एग्जाम दे रहे हैं, तो एक्चुअली कितने बच्चों से आपका मुकाबला है आपको पता है? इस बात का बताता हूं, आपका एक्चुअल मुकाबला है सिर्फ उन 212 बच्चों से जिन्होंने सिलेक्ट होते, ऐसे ही है। इन 22,000 बच्चों में से जिन्होंने लास्ट टाइम दिए थे फॉर्म लिए थे, फॉर्म लेने के बाद 10,000 बच्चों ने फॉर्म छोड़ के वो डिजाइन बैठ के सो गए, और जो बाकी 11,000 रह गए या 12,000 रह गए वो ऐसे का पेपर दिया और उनमें से भी जाके कुछ 6,000 सो गए। उसने भी आपने खालिद साहब की गजल सोते रहे, अच्छा कभी खालिद मसूद साहब की गजल सुनिए ना सोते रहे, अच्छी होती है बात चीजें, आपको थोड़ी सी आर्ट्स की भी आनी चाहिए। तो एवरीबॉडी लॉस्ट हिज हार्ट, हर हार्ट कि लो जी हम तो कभी कुछ नहीं सकते हैं, इतना मुश्किल एग्जाम आ गया है, लेकिन जो बच्चे आप साथ साथ चलते रहेंगे, जो बच्चे अपने ऊपर इत्मीनान करेंगे, जो बच्चे ये समझेंगे कि वी आर हियर टू डू समथिंग। मैं आपको एक छोटा सा ना वाक्य सुनाना चाहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था किटू नाम, हम उसका रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं? किटू, छोटा सा बच्चा था, तो रोज फुटबॉल खेलता था और उसके बाद जो है वो फुटबॉल ग्राउंड के बाहर खड़े रहते थे। पहली क्लास से खेलना शुरू किया, 10वीं क्लास तक लोगों ने उसको रोज खिलाया, लेकिन उसको टीम में शामिल नहीं करते थे, कहते थे यार यू डू नॉट प्ले अप टू मार, पता नहीं तुम्हें क्या होता है कि तुम खेलते खेलते कहीं खो जाते हो, लिहाजा यू आर अवर 12th प्लेयर। आरिफ इस्लाम की किसी ने नजर पड़ी है 12वां खिलाड़ी? आपको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, लेकिन आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बिकॉज यू हैव टू बी अ लिटिल बिट ऑफ literary person to qualify CSS, especially the interview जो बात में आएगा। अच्छा, तो उसने कहा कि सर मैं पूरी कोशिश करता हूँ, I try my levels best to be the best, लेकिन problem हो जाती है, पता नहीं क्या होता है। खैर उन्होंने क्या किया, उनका आया इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल चैंपियनशिप अमेरिका की, किटू साहब के साथ चला गया, किटू साहब की टीम जीती जा रही है, किटू साहब बाहर बैठे हैं बेंच के ऊपर। जिस दिन उनका सेमीफाइनल था और वो जीत गए सेमीफाइनल, किटू को पैगाम आया कि जी आपके वालिद की डेथ हो गई। किटू साहब ने फ्लोरिडा से फ्लाई किया न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से अब मतलब यही था कि 7-8 दिन लग जाएंगे, बरेल की रस्में वहां डिफरेंट होती हैं थोड़ी सी हमारे पाकिस्तान से, वो पहले लोगों की लिस्ट तैयार करते हैं फिर उनको बुलाते हैं फिर ज्यादा पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ तो सिंपल ही और ये बिस्मिल्लाह करो और फौरी फौरी जो है मैयत को खाक के सुपुर्द करें। तो अभी वो वहां गया, तो सेमीफाइनल के बाद एक दिन की छुट्टी थी, वो छुट्टी के रात को फिर पहुंच गया। अब सारे परेशान, भाई तेरे अब्बा जी की डेथ हो गई है, तुझे कोई ख्याल है? तो अपने फैमिली का ख्याल करता है, तो गेम खेलने आ गया। कहा हाँ। उसने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि कल मैंने फाइनल जीतना। उसने कहा फिर तुझे तो आज तक यार किसी ने कभी गेम में खिलाया ही नहीं है, हाउ कैन यू फिन द फाइनल? उसने कहा यार मेरा ये ईमान है, मेरा ये इत्तेकाद है, मेरा ये मानना है मैंने ये गेम जीत ली। ओके, लिहाजा क्या हुआ कि अगले दिन सुबह सब ने वर्दियां पहनी, किट्टू ने भी वर्दी पहन ली, उस्ताद ने देखा उस्ताद की आंखें फट गई। उसने कहा बेटा तेरे तो अब्बा जी, उसने कहा वो तो अब्बा जी ठीक है लेकिन मैंने मैच खेलना है। उसने कहा बेटा देख हमारा सबसे सख्त टीम से मैच है, अब तक तो हम पता नहीं किस तरह जीत लिए सेमीफाइनल, लेकिन आगे वाली टीम बड़ी खतरनाक है। उसने कहा उस्ताद जी अल्लाह का वास्ता जी, कुरान का वास्ता जी, नबी रसूल का वास्ता जी, सब देते बैठ गए था उस्ताद के साथ। पहला गोल दूसरी टीम ने इनके खिलाफ कर दिया, किट्टू के खिलाफ। अब किट्टू को मौका मिल गया, मतलब उस्ताद जी देखो गोल तो हो गया। उसने कहा चुप कर जा, मतलब 5-7 दिन भी हो जाएंगे। फिर चुप कर गया, फिर तो 5-10 मिनट गुजरे तो फिर एक और गोल हो गया किट्टू की तरफ। किट्टू ने कहा उस्ताद जी मुझे भेज दें, दो लड़के गलत खेल रहे हैं, देखें मैं सब खेलता हूँ। उसने कहा चुप, खबर तक बोल, हाफ टाइम आ गया। अब हाफ टाइम में ये था कि सारे बच्चे डरे हुए थे किट्टू की टीम के कि यार ये टीम बड़ी सख्त है, मारती बहुत है, टुडे मारती है, लड़ाई करती है, धक्का देती है, पावरफुल बच्चे हैं, हम इनसे नहीं खेल सकते। किटू ने कहा जी मैं खेलूंगा। उसने कहा अच्छा यार अगर कोई गिर पड़ा, अगर किसी को नुकसान हो गया, अगर कोई
बेसिकली इंजरी हो गई तो मैं भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम, आई विल जस्ट सेंड यू। उन्होंने कहा ठीक है। तो जी यार खुदा का करता क्या हुआ कि पहले 5 मिनट में एक बच्चे की लेग जो है ना वो लेग पुल हो गया, मसल पुल हो गया, वो मसल पुल हो गया। उसने कहा उस्ताद जी मेरी बारी है। उस्ताद ने कहा यार दिल तो नहीं करता लेकिन तूने सारी जिंदगी पिछले 10 साल में एक छुट्टी नहीं ली और तेरे वालिद हमेशा आते रहे, हमेशा देखते रहे हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे आज मैच खिलाऊं। हम जहां 2 गोलों से हार रहे हैं वहां हम 6 से हार जाएंगे, मैं तुम्हें भेजूंगा, बस तुम मेरे बेटे। लो जी उस्ताद जी ने भेज दिया। जो ही किट्टू मैदान में उतरा छलांगे मारता हुआ गया, ड्रम ड्रम ड्रम, और 1 मिनट के अंदर पहला गोल कर दिया। अब सारी जो है वो स्टेडियम खड़ा हो गया। उन्होंने कहा जी ये कौन सा लड़का, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। उन्होंने कहा ये बाद में खिलाड़ी है, ये पीछे बैठा होता था। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुमको बाहर से बंदा लेके आया। उन्होंने कहा नहीं क्रेडेंशियल्स देख लो। मैच रुक गया, रेफरी बुला दिए। उन्होंने कहा हाँ जी बच्चा तो इनका ही है, 16 बच्चों की टीम है, ये कभी 15वें नंबर पर बैठा होता, कभी 12वें पे, कभी 16वें पे। तो इन्होंने कहा इसको क्यों रखा हुआ था? उन्होंने कहा इसको हमने छुपा के रखा हुआ था। अच्छा कोई 10 मिनट की गेम हुई, 15 मिनट की, 15 मिनट की एक और मौका मिला किट्टू को। किट्टू ने शॉट मारे ठॉक सीधी गोल में और 2-2 बराबर। अब तो किट्टू का तो खुद समझ ना आए कि ये हुआ क्या, पहले तो वो समझे शायद गलती से हो गया। अब वो पागल हो गए कि यार ये किट्टू क्या बला थी जिसको हमने कभी खिलाया नहीं था और जब भी खिलाते थे ये ठुस हो जाता था। लास्ट टाइम क्या हुआ जनाब, अभी मैच में 2 मिनट रहते थे, एक बहुत अच्छा बॉल किट्टू के पास आया लेकिन किट्टू वहां से हिट नहीं कर सकता था, he was at a very disadvantageous single। तो वो लड़का जो किट्टू को रोज ही गालियां निकालता था ना, रोज ही लड़ता था, किट्टू ने बाल पूरी कोशिश से उसके पास फेंक दिया अपने दोस्त के पास। मतलब खिलाड़ी तो था, वेट तो थे ना, वो जैसे उससे आपस में लड़ाई होती है, तो जा जा तो कुछ नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। उसने उसको पास दिया, वो बहुत अच्छा प्लेयर था, कैप्टन था टीम का। उसने किक मारी, गोल तीसरा, ऊपर से सिटी बच गई, जीत गए। जब जीत गए तो वो कमरे में पहुंचा, वो चीखे मार रहे हैं, किट्टू को सर पे उठाया हुआ है, हर किसी में तमाशा कर रहे हैं। तो उसने कहा कोच ने भी चुप कर जाओ, ठहर जाओ, बैठो बैठो, बेटा ये बताओ कि आखिर वो कौन सी चीज है जो तुम सारी जिंदगी, तो तुम बिल्कुल वो कुकू घोड़ा देखा आपने कभी? अब कुकू घोड़े की तरह तुम बैठे रहे हो, गेम भी अच्छी नहीं खेलते थे, आज क्या हुआ है? उसने कहा उस्ताद जी आज ऐसे है कि आज मेरे वालिद मैच देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये पागल हो गया। उन्होंने कहा बेटा तेरे अब्बा जी तो गुज़श्ता कल फौत हो गए थे, तू 4,500 किलोमीटर उतर गया है, वापस आया तेरा दिमाग घूम गया। उसने कहा नहीं 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 नहीं, सचमुच मैं मैच इसलिए जीता हूं कि मेरे वालिद देख रहे थे। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा जी आपको तो पता नहीं पर मेरे वालिद बेसिकली ऑलमोस्ट ब्लाइंड थे, वो आवाजें सुनते रहते थे ग्राउंड के बाहर खड़े खड़े, कहीं मेरी आवाज भी आ जाती थी तो वो बड़े खुश होते थे कि मेरे बेटे ने गेंद को किक लगा दिया या आपने कुछ कहा। तो आज मेरे वालिद पहली दफा मुझे यकीन है कि ऊपर अल्लाह के पास जाके यकीनन मेरा मैच देख रहे थे। तो मैं रोज सोचता था कि मैं मैच खेलूं, अच्छा खेलूं, फिर मैं कहता था मान तो है नहीं, ना कोई बहन भाई है, एक वालिद है वो देख नहीं सकता, तो मैं किसके लिए खेलूं? तो मेरा हौसला टूट जाता था। आज जबकि मुझे कंफर्म था कि मेरे वालिद अल्लाह के पास मौजूद हैं और वो मेरा मैच देख रहे हैं, लिहाजा आज मैं उनके लिए खेल रहा हूं, एंड आई वन, एवरीबॉडी क्लैप्ड। तो पूछना ये था बच्चों कि आपके लिए तो घर में कितने लोग मौजूद हैं जो आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम्पलरी स्टूडेंट होने का सोच रहे हैं? देखिए पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, वो 3-4 खौफ का खुफियां, नॉट ऑल खुफियां आर बैड, खुफियां बहुत अच्छी भी होती हैं, अल्लाह को जिंदगी सेहत दे, 2-4 खतरनाक चाचियां, 2-4 फब्बे कुटनी खाला, और वो सारे देख रहे होते हैं कि अल्लाह कहते रह जाए मेरा पुत्र तो नहीं ना कर सके यार। सही बात। और सगी बहनें छोटी छोटी वो दुआएं मांग लेती हैं, या अल्लाह मेरा भाई जो है ना फर्स्ट आए, छोटे छोटे भाई, और वो जो आपके अंदर कुछ बुढ़े स्टूडेंट है ना उनके बच्चे भी, या अल्लाह मेरे अब्बू जी को पास कर दे, तो वो सब दुआएं मांग रहे होते हैं। और एक वो जो खाला के घर में कोई होती है अपने लिए करें, यस
अपने अल्लाह के लिए करें बिकॉज यू हैव टू डू समथिंग गुड फॉर द पीपल, अपने उन रिश्तों के लिए करें जो आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक मुसल्ले से नहीं उठते, स्पेशली आपकी वालिदा, अल्लाह ताला की जिंदगी दराज करें, और इसी तरह आपके पेरेंट्स। अच्छा बच्चों ये तो होगी इमोशनल साइड, अब हम जरा एक्चुअल साइड पे आते हैं। ऐसे बेटा कि बहुत सी कैटेगरीज हैं बायस, आप हमारे पास क्यों आए, मैं आपको इसके अंदर सिर्फ तीन बातें कहूंगा, मैं नॉर्मली तीन बातें कहता हूँ, इसलिए तीन बातें यहाँ पे भी। पहली बात तो ये बेटा कि इंशाल्लाह आप आज हमारे स्टूडेंट हैं तो आप हमेशा हमारे स्टूडेंट रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि जब आप एक एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो अगले एग्जाम के लिए भी इंशाल्लाह आप हमारे ही स्टूडेंट होंगे, आप हमारे लिए हर वक्त वेलकम है, वी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू यू विद ओपन आर्म्स एंड गुड हार्ट, गुड विशेस। ये पहली बात होगी। दूसरी बात बच्चों, वी वुड मेक अ प्रॉमिस हियर एंड That promise is to be delivered. Allah na kare corona na aa jaye, otherwise it will be delivered. Aur agar aapko corona bhi aa jaye to humne nipatne ka tarika seekh liya hai, it will be delivered on that. Done ho ki baat? Yes sir. Teesri baat, jo aapse baatein kiye ja rahe hain ki aapko notes milenge, aapko mock test aapke honge, aapka koi assessment tests honge, each and every test will be there. और अगर आप में से किसी को भी किसी भी वक्त कुछ प्रॉब्लम्स हो, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सबसे पहले ये होती है कि टीचर ने जो कहा है वो हमें समझ नहीं आता, ओके? दूसरा होता है कि जो आपने वादा किया था वो आपने पढ़ाया नहीं है, तीसरा होता था जो किताब आपने कही है वो आपने दी नहीं है, चौथा ये होता है कि जी हमारे नोट्स किधर हैं, आप हमारे नोट्स दीजिए, और एक आखिरी क्वेश्चन होता है जिसपे स्टूडेंट्स जो है वो बड़े परेशान होते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी आपने हमें कोई ऐसा तरीका नहीं बताया कि हम बाकी स्टूडेंट से, हम बाकी जो 11,000 फाइनलिस्ट बैठे हैं उनसे बेटर परफॉर्म कर सकें। तो इसमें भी हमारा वादा है आपके साथ कि हम गाहे बगाहे आपके साथ सेशंस करेंगे जो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन होंगे, 15-15 या 10-10 बच्चों को लेके एक इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन बूस्ट योर मेमोरी एंड डू फाइन वर्क विद इट, आपको नोट टेकिंग लेने की स्किल क्या है, शुरू में बताएंगे नोट टेकिंग, इसलिए कि नोट टेकिंग अगर शुरू में नहीं सीखेंगे तो बाद में काफी दिनों बाद सीखेंगे तो पहला टाइम जाया जाएगा। फिर हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपने कोई चीज याद किया तो रिवाइज कैसे करना है, हाउ आर यू गोइंग टू रिवाइज इट एट टाइम, हम आपको बताएंगे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए किसी के लिए, जॉब प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर आप किस तरीके से आपने मजीद पढ़ना है, हम आपको बताएंगे बेटा कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप में से किसी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मुझे है, बहुत सी है, चार के नाम तो मोहम्मद अहमद दुआ और खदीजा है, ये चार मेरे बच्चे हैं, इनसे बड़ी इमरान है वो मेरी बीवी है, तो मेरे बेटा प्रॉब्लम्स हर एक को होती हैं, मतलब ये नहीं होता कि वो प्रॉब्लम्स होती हैं, नहीं, एक टीचर ने ऐनक लगाई हुई थी तो किसी ने कहा सर आप ऐनक उतार दें, आप इस ऐनक में हुदूद लगते हैं, उसने कहा बेटा मैं उतार तो दूं फिर मुझे आप हुदूद लगते हैं। वो बात ये है कि जब मैं कहता हूं ना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है तो उन सब के लिए मैं खुद प्रॉब्लम होता हूं। You got my point? Yes, तो बच्चों साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एक ऐसी चीजें हैं जो आपने याद रख लेना है। This is with all of us. We all feel anxiety, sometimes over anxiety. We all feel pain. Sometimes it is unfounded. It's just a hypogastric response or hypochondriac response. Sometimes we all have नहीं यार मैं नहीं कर सकता. Sometimes there are certain flaws या there are certain things in our personality जो हमारे पहले टीचर ने हमें नहीं बताया होता। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बच्चा कहता है सर मुझे इडियम्स नहीं आते, मैं हर जगह ही मारता, कोई बात नहीं यार, इडियम्स कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना जो बरीक से लोग सीख के आते हैं, यहीं पे सीखते हैं। तो वी विल बी टीचिंग यू, वी विल बी होल्डिंग स्पेशल क्लासेस फॉर यू फॉर ऑल दोस मैटर्स, और इवन अगर आप चाहेंगे तो वी विल कॉल सम स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे दो
दोनों में से जो भी अवेलेबल हो हम उनको बुला के, और बुलाने के बाद बट वी विल डू इज कि उनके पास जो भी बच्चा जाएगा अकेला जाएगा, आपके कोई भी इश्यूज हैं जिस इश्यू में बाज़ूकात मॉनेटरी इश्यूज से लेके हाईली सेंसिटिव साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, और बच्चों याद रखना आप में हो ना हो हम ऑफिसर्स में जरूर होते हैं, और उसकी रीजन ये है कि हम इंतहाई अंडर प्रेशर काम करते हैं बेटा, हमारे लिए कोई नहीं कमा रहा होता, हम खुद कमा रहे होते हैं, बल्कि हमसे तो मजीद दे रहे होते हैं आगे पैसे, क्योंकि बच्चे और घर वाले तमाम चीजें इतना मिल गए। तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, आई कैन गिव यू वन नेम वन नंबर एंड यू कैन डिपेंड ऑन हिम बिकॉज ही इज माई सन, मोहम्मद इज माई सन, और आप मोहम्मद से जो भी बात करेंगे उसका मैं जिम्मेवार हूं। इट विल नेवर बी टॉक टू एनीबॉडी एल्स, इट विल नेवर बी शेयर्ड विद एनीबॉडी एल्स, इफ इट इज योर पर्सनल थिंग। एंड दूसरा जो बच्चा है उसका नाम है हुसैन। तो दोनों बच्चे जो है, हुसैन मेरा बेटा नहीं है, ठीक है, जस्ट लाइक माई सन, बट ही इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो हर लिहाज से आपका त्याग करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम करते क्या है, हम टीचर्स यहाँ कौन से बुलाते हैं बच्चों, हम यहाँ बुलाते हैं वो लोग जिन्होंने सीएसएस किया होता है, या वो लोग जिन्होंने सीएसएस क्वालिफाई तो किया होता है, एलोकेशन नहीं होती। तो बच्चों बात 5-7 नंबरों की होती है, इसमें परेशानी की बात नहीं, एलोकेशन नाम भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। अच्छा, थर्ड हम वो लोग बुलाते हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर मास्टर्स किया हुआ है सारी स्टडीज में, या आप कर रही है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे बेटा आपके क्या नाम है, तो हम हमारे रसूल से रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटा आप हमें इस क्लास को एक लेक्चर दीजिए, जितने भी साल लगे अगर आप किसी और क्लास में आते हो, एंड सिमिलरली द सेम थिंग गोज फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा, और हमारा चौथा ये है कि वी विल बी आस्किंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल कुछ हमारे को हैं एम्बेसडर्स हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं, हमारे बाहर के बहुत से लोग हैं, एंड वी विल कॉल देम, और calling them just means के we will be asking them to deliver lectures on certain topics which confuse us. Like for example, international scenario में FATF का क्या रोल है? For example, लीबिया में क्यों जंग शुरू हुई? For example, ISIS कैसे बनी है? Ghost wars जो लिखी गई उस पर लिखा गया है जो facts हैं, क्या वो definitely on ground exist करते हैं कि नहीं? इकोनॉमिक हिटमैन जो बात करता है अपनी किताब के अंदर, क्या वो सूटेबल है या नहीं? तो चूंकि वो बंदा होता ही उस लेवल का है, वो आपके लिए उन तमाम चीजों की एग्जांपल दे सकता है। अच्छा, वैसे मैं क्या पढ़ा चुका हूँ आज तक सीएसएस को? मैं सीएसएस को थोड़े से सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ पुराने जमाने में, जब आप शायद पैदा नहीं हुए थे या जब पैदा हो चुके थे। मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने स्टार्ट किया था मेमोरी मेथड्स से, मुझे मेमोरी मेथड्स बहुत अच्छे आते हैं, पाकिस्तान में वाइट स्टूडेंट टीचर जो पढ़ाता है। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया पाकिस्तान स्टडीज, फिर मैंने पढ़ाया पाकिस्तान अफेयर्स, फिर मैंने पढ़ाया इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर मैंने पढ़ाया इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर मैंने पढ़ाया कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, दोनों को पढ़ाया है। उसके बाद मैंने पढ़ाया बिहेवियर स्टडीज, फिर मैंने पढ़ाया बिजनेस कम्युनिकेशन, फिर मैंने पढ़ाने की कोशिश की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट बेसिकली उसके हैं एमबीए के हैं। अच्छा, फिर मैंने पढ़ाया और भी दो चार चीजें पढ़ाने के बाद अब एंड पे आजकल मैं इस्लामिक स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, कभी पढ़ाता हूँ कभी नहीं पढ़ाता, मेरे पास टाइम कम ही होता है, लेकिन भर अगर पढ़ाना पड़े कोई इस्लामिक स्टडीज का लेक्चर हो तो आखिरकार मुझे बता देते हैं, घर से ही बुलावा आता है ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा बच्चों, एक और जो हम काम कर रहे हैं वो ये है, मैंने जो आपको बात बता दी थी कि हमारे पास आपको पढ़ाने के लिए नई मेथोडोलॉजी है थोड़ी, ये नहीं है कि हम आसमान को जमीन पे ले आएंगे या तारे खींच के तो जो है आपकी बल्कों में सजा देंगे, लेकिन एक बात कंफर्म है, एक चीज है हार्ड वर्क, एक चीज है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का मतलब यह है कि आप सुबह से लेकर शाम तक भागते हुए जाएं, एक किलो पानी पकड़े वहां से और एक किलो पानी यहां लेके आए और घर को दे दें, यही है, बार बार आपको जाना पड़े, बार बार आना पड़े। स्मार्ट वर्क यह है कि आप कोई 5-7 लड़कों को बुला लें, उनसे कहें यार
जैसे शादी के खाने में होता है यार, नाल नाल खिलो जो वो जल्दी जल्दी जो है वो डिश जो है फौरन पहुंच जाती है ना, अगर एक आदमी भागता तो नहीं पहुंचती। तो फिर जो भी हम आपको तरीका बताएंगे वो इस किस्म का होगा कि वो आपके दो चार स्टेप्स को कम करके आपके लिए मिनिमाइज स्टेप रखेगा रिमेम्बरेंस के लिए। दूसरा प्रॉब्लम, तमाम बच्चे कहते हैं जी मैं पढ़ता तो हूं पर मुझे याददाश्त कहीं और खोई हुई, ये बात है? हाँ, इसका एक बहुत अच्छा इलाज है जो 99% लोगों को नहीं पता, तो अभी आपको पता चल जाएगा तो 98% लोगों को फिर नहीं पता होगा, वो ये है बेटा कि हम उस स्पीड से स्लो पढ़ते हैं। किस स्पीड से? जिस स्पीड पे दिमाग सोचना अपना सोचना बंद कर देता है और पढ़ाई का सोचना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमने पढ़ा होगा पहले एफ ए बी ए एम ए मास्टर्स जो भी किया हुआ है, आपको पता है बड़ा याद दिल करता है गाना सुनने जाके फलाना, बड़ा दिल करता है फलानी आइसक्रीम खाई जाए, बड़ा दिल करता है अगर मैं फलां से मिल लूँ तो कितनी अच्छी बात होगी। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी अनाटॉमी की किताब पे फिजियोलॉजी की किताब पे लिख लेता था कि मैंने बाद में ये करना है। अब जब मैं वो किताबें उठाता हूँ देखते हैं मेरा तो पढ़ने को दिल करता, वो उस वक्त ना पढ़ाई का जो जिन है ना वो आपको कर रहा होता है तंग, आप कहते हैं यार इससे जान छूट जाए मैं कुछ कर लूँ, बेशक मैं लगे बाहर बाजी के साथ चिड़ी छिपी खेल लूँ लेकिन मैंने खेलना जरूर है। तो मैं कह रहा था ये मेरे प्रोजेक्ट से आइंदा के लिए मैं इंशाल्लाह आइंदा करूंगा, आइंदा करूंगा कोई दिल ही कभी क्या, अगर दिल करेगा मैं पूछ लूँ प्लीज, ये मेरे भाइयों जैसा दोस्त है। जी अदी अस्सलाम वालेकुम, शहजाद बात कर रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बताइए कोई इंपॉर्टेंट बात तो। अबू जी की तबीयत बहुत खराब है, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनको चोट लगी बहुत ज्यादा, हम दो हॉस्पिटल में लेके जा चुके हैं, अभी अबू जी घर हैं, ही कैन टॉक, यू बेटर गो टू हिम इफ यू कैन गो टू हिम, और थैंक यू दैट विल बी वेरी नाइस ऑफ यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा बच्चों, अच्छा तो हमने सोचा कि यार ये तो प्रॉब्लम दूसरी आ गई, थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा कहता जी मैंने याद कर दिया, रट्टा मार के किया जैसे भी कर दिया, अब मुझे फिर भूल गया मैं क्या करूं। एक और प्रॉब्लम जो आती है वो ये होती है कि मैंने 90% टॉपिक कवर कर दिया। अब उसमें बच्चों एक बात देखने वाली है ताकि मैं आपसे शेयर कर सकता नहीं भी कर रहा बात भी। कुछ टीचर पढ़ाते हैं इंतहाई सीरियस, आपके किसी बच्चे ने ACCA CA की क्लासेस ली है? अच्छा मैं पढ़ाता रहा ACCA को भी पढ़ाता रहा CA को भी पढ़ाता रहा, ऐसे ही शौकिया F1 पढ़ाता रहा उसको और अपना C8 पढ़ाता रहा उसको। अच्छा तो वहां पे ना कोई टीचर हंस पड़े तो वो कहते हैं ये तो टीचर नहीं है। और एक दफा मैं लम्स में पढ़ाने गया, मैं लम्स में भी पढ़ाया करता था, तो वहां पे मैंने दो चार दिन ना मैंने सोचा यार ये 5-5 लाख रुपए लेके आ रहे हैं कोर्स का, तो मैं इनको अब हंसाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने पहला लेक्चर काफी ब्लैंड किया, कोई नहीं हंसाया। उस सारे टीचर बाद में कॉमन रूम में मेरे पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा सर आपने तो हंसाया ही नहीं, मैंने कहा यार मैंने हंसा इनको क्या करना था, पढ़ लिखे तो ना 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 हमने इतने 5 लाख रुपए थोड़ा सा दबाए भी तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ठीक है ना, योर गॉट सिलेबस, ये जो हिस्सा है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम चीजें आती हैं। मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इस्लामिक स्टडीज की, आपकी सारी किताब जो लिखी हुई है इस्लामिक स्टडीज की वो इस पोर्शन में लिखी हुई है। उसके बाद बच्चों ये हिस्सा है जिसमें आता है जनरल नॉलेज, इस्लामिया से संबंधित चीजें, जो आप एडिशनल चीजें पढ़ते हैं, कोई और किताब आप उठा लेते हैं, खातमुन नबियीन उठा लेते हैं, रियाज़ुस्सालिहीन उठा लेते हैं, अगर आप दुर्रियती उठा लेते हैं या आप कोई भी किताब उठा लेते हैं, तो यू गो फॉर अनदर एरिया विच वॉज नॉट बेसिकली सपोज टू कम इन योर पेपर, लेकिन ये पेपर इस किताब के अंदर से नहीं आता पूरा बेटा, इस किताब में से ये पेपर आता है 80%, लिहाजा कुछ हम यहां से पढ़ लेते हैं, कुछ थोड़ा सा ऐसा यहां से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा यहां से पढ़ लेते हैं, हमें पता होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल में भी आ चुका है, आइंदा आने के चांसेस भी हैं और ये करंट इशू भी है। फॉर एग्जाम्पल लिबिया वॉज नथिंग टू अस, लेकिन अगर आज लिबिया की तरफ से देखा जाए कि इस्लाम ने वहां पर क्या किया तो इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस बोथ like in all three subjects IR Pakistan affairs Islam ke rules the aur iske andar kya kehte hain ise Islamic studies ke andar ya international relations ke hawale se. Acha kuch cheeze bachcho yahan se aa jati hai, kabhi ye 80% hai, 5%
2%, 1%, यहां से भी कोई आ गया फॉर एग्जाम्पल 3%, ये 5% हो गया। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे पहले ये टॉपिक पकड़ लेते हैं, कहीं से जाके ढूंढ के वो करते हैं, हुई हुई। ऐसा टॉपिक मिला है जिसका हिसाब नहीं। ये टॉपिक ये है कि नबी पाक की जो टोटल अज़वाजे मुतहरात थी उनमें से 11 के नाम लिखें, उनके कबाइल लिखें और ये बताएं कि उन्होंने कब कब शादी की और उनमें से किसको आपने कहा कि अगर तुम चाहो तो मुझसे डिवोर्स ले सकती हो, उसने नहीं ली और किसको आपने डिवोर्स दे दी। तो मैं आपसे क्या कहता हूं, इस क्वेश्चन में फेल हो जाए भाई जान, प्लीज मेहरबानी आपकी। क्यों? चॉइस में एक क्वेश्चन तो आता ही है ना। आपने स्टडी शुरू करनी है इस जगह से जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, यानी जो सबसे मेन है आपके, जैसे नमाज रोजा हज ज़कात है, जैसे आपके मेन इबादत हैं, जैसे उसके बाद आपके बाद आपके मेन वाद हैं, बाद हैं, इस तरह की चीजें यहां से शुरू करें एंड मूव आउटवर्ड टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। जब आप यहां तक पहुंचेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 माह में या 3 माह में यहां तक पहुंचे, तो 2 माह में आप इस्लामिक स्टडीज का 80% कोर्स मुकम्मल कर चुके होंगे, जो आपको पता है कि इसमें से कुछ ना कुछ आना है। Then, okay, then you can go for this chunk, then you can go for this chunk, this one and this one, not this one. बाद बच्चे क्या करते हैं, जो हमारे फिलोसोफर होते हैं, PhD से कम उनका दिमाग नहीं होता, not in a derogatory sense, मैं अच्छी बात कह रहा हूँ। हमारा एक दोस्त हुआ करता था, उसका नाम था शायद चश्मी, वो चश्मी के पढ़ता था, था डॉक्टर वैसे। हमने कहा था यार तूने कभी स्मार्टनेस मींस कि वो अपने रिसोर्सेज वहां एलोकेट करे जहां उनकी मैक्सिमम, तो इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। दूसरा मतलब ये होता है जी, पढ़ लिया, फोकस नहीं है। जब बेटा फोकस नहीं होता तो हम आपको आपकी स्पीड तेज करवाते हैं पढ़ने की, वो भी उसका तरीका है, और उसमें हम आपकी स्पीड इतनी तेज करवाते हैं कि आपको कम अज कम अपने दाएं बाएं का फिक्र ना रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपके सिर के ऊपर गिलास उंडेल देगा तो आप कहेंगे पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा, लेकिन जनरली आप सीखेंगे। तीसरी चीज जो है, जो बच्चे कहते हैं जी कि मैं भूल जाता हूं, भूल जाती हूं, इसका क्या करें? तो इसके लिए भी एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम एंकर्स, हम प्रोटेक्टिंग वर्ड्स और हम माइंड मैप्स का सहारा लेते हैं, और वो चूंकि अगर आप एक ही किताब पढ़ें तो सिर्फ माइंड मैप्स पे 25-30 किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप 25-30 किताबें नहीं पढ़ सकते, आपके पास कितना टाइम है, 1 साल, और आपने 1 साल के अंदर इंशाल्लाह पढ़ना है, तो लिहाजा हम वो जो 10 किताबों में लिखा हुआ है वो हम आपको 3 घंटे में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, मैक्सिमम 3 आवर्स, और वो 3 आवर्स जो है वो आपको बताएंगे कि पढ़ने का तरीका क्या है। आज से अगर आपने CSS स्टार्ट करना तो कैसे करेंगे। चलो एक बात और बता देता हूँ, बाकी और बहुत सी चीजें। वो चौथी बात बच्चों ये है कि हर कोई कहता है कि मैंने नोट्स बनाने हैं। पहले क्या करता है, अपने नोट्स बनाता है, तो कहता नहीं यार चंगे नहीं। आप में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको पंजाबी ना आती हो? अच्छा मुझे नहीं आती, मैं उर्दू से चुकी हूँ, तो मैंने पंजाबी याद की हुई है, तो अच्छी बात है आपको भी नहीं आती, बस ठीक है। तो जिसको आती है वो मेरी गलतियां ना निकाले। वो कहते हैं जी नोट्स बनाए हैं जी मैंने बड़े अच्छे, वो 700 सफे की किताब होती है और उसके 1200 सफे के नोट्स बनाए, वेरी गुड। फिर क्या होता है, अचानक इम्तिहान से कोई 6 महीने पहले बदल था कि कुड़ी सी जी नौशीन खानम पख्तून खान की लड़की थी, उसने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, वाह जी वाह। फिर पता चलता जी कि एक सही अल्लाह बसाया उधर का था सिंध का, उसके नोट्स बस सर्वोफर्स्ट आया था। अच्छा अब इन तीनों के नोट्स जो है 1200-1200 पेजेस के होते हैं, अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास 3 नोट्स आ गए 1200-1200 पेजेस के, आप तो 4 किताबें पढ़ रहे हैं भाई, एक तो वो पढ़ी थी जो पढ़ी थी, अब इसको पढ़े तो और है, इसको पढ़े तो और है, इसको पढ़े तो और है, तो इसका एक जवाब है बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल जवाब है, जवाब क्या है, आपकी वो किताब जो आप पढ़ते हैं वो एक्चुअली आपके टीचर के नोट्स होते हैं। टीचर ने आखिर 20-25 किताबें पढ़ के वो नोट्स बनाए होते हैं, तो आपने ये याद रखना है कि अगर मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा तो
तो मैं आपकी 500 सफे की किताब के नोट्स बनवाऊंगा 100 सफे, और उसके बाद अगर आपको मजीद कुछ मटीरियल मिल जाए तो वो भी इसी तरतीब से पढ़ाऊंगा। यानी आप उनके अगर आपको 50 सफे मिलते हैं तो आपको मैक्सिमम 10 पेजेस ऐड करने पड़ेंगे अपने पास। तो जब आपका सेशन खत्म होगा तो आपके पास 200 पेज के कोई नोट्स नहीं होंगे, सब इससे कम होंगे, बेशक किसी ने फिजिक्स ऑफ कम किया, क्योंकि फिजिक्स बहुत कम करती है। फिजिक्स के अलावा मैं बाकी भी सबसे साथ कर रहा हूं, और यही तमाम चीजें हैं जो अच्छा। फिर एक और इशू है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, चीजें अच्छी नहीं है, हम यहाँ पे इनकी बकायदा क्लासेस लेते हैं। वी डू नॉट वॉन्ट यू टू बी पेंटर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लफ्ज़ बताता हूँ, कोई सा भी, अगर यार बात से कुछ पूछ जाए, मैं कितना टाइम बात किया, चलो मैं तो 3 घंटे पढ़ाता रहा हूँ, बच्चों ही भाग जाए, बच्चे बता रहे बात अच्छा अगर आपने लिखना हो अलिफ बे जीम तो आप कैसे लिखते हैं नॉर्मली ना, जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखते हैं। हम क्या सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं कि भाई अलिफ लिखना है तो इसको यूं लिखो, यार अभी मैंने बात की है, बहुत टाइम है, अभी 5 मिनट हो गए हैं, वो भी अपना ही बेटा कह रहा है। अच्छा ठीक है, ये अलिफ है बेटा, ये बच्चों ये है, मैंने एनसी से असल में डिप्लोमा ले लिया था, मैंने कहा मैं गैलिक डॉक्टर हूँ ना, लोग कहते हैं डॉक्टर की लिखाई कमी थी आपकी, तो मैंने कहा चलो एनसी से डिप्लोमा ले लें, ठीक है। और बच्चे ये जीन है, अब मसला ये है कि ये सॉरी ऊपर उतर ये नीचे जाएंगे, अच्छा ये जीन है, ये हैंड राइटिंग ना हमें चाहिए, ना हमने लिखनी है, ना हमारे किसी काम की है। वट वी नीड इज अ सिंपल हैंड राइटिंग विच यू कैन अंडरस्टैंड एंड योर टीचर कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, बस इतना है, और वो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये काम जो कि मैं ही करता था तो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा बच्चों अब आखिरी चल बातें कर लें, उसने और कैसे बाहर से लगा दिया। पहली बात तो ये बच्चों हारना नहीं है, अल्लाह ने एक बच्चा पैदा किया था, उसका नाम था विविक, नाम मुझे भूल गया, विविक नाम है उसका। वो हार भी नहीं है, उसके पॉम भी नहीं है, एंड ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, दिल खुश हो जाता है उसके देख के, आपको हम वो इंतजाम देंगे सारे। अच्छा जी अब हम कोशिश करेंगे बच्चों कि एक तो हम आपको मेन पॉइंट से पढ़ा सकें, जो हम पढ़ा सकते हैं जो हमारा ख्याल था, हम आपको क्रैमिंग स्टाइल से बचाने की कोशिश करेंगे। मेरे सारे बच्चों ने बच्चियों ने क्रैमिंग स्टाइल से पढ़ा क्योंकि उन्होंने मैट्रिक के एग्जाम दिए थे, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, और आपके जो अल्टीमेट कम्पिटिटर्स हैं वो 500 हैं बस, बाकी उनसे किसी से नहीं होना। और 500 से बेटर होने का सिर्फ एक तरीका है कि जो टाइम आज से शुरू हो रहा है यू विल 100% यूटिलाइज इट, और मैं इसको आपको तरीका भी बताऊंगा एक बार लेते हुए होगा तो। अच्छा एक आखिरी मिसाल दे देता हूं फिर उसके बाद हम चलते हैं। पहली बात तो यह है मेरे बच्चों के हमारी भी लिमिटेशन हैं, हम में गलतियां होंगी, एक बॉक्स हम बाहर लगा देंगे, आप में से अगर 2 या 3 बच्चे एक ही बात कहते हैं इसका मतलब उनको इंपॉर्टेंट है, बस बस एक बच्चा भी, तो हम उस पर ज़रूर अमल करने की कोशिश करेंगे। आपको खुश रखना, आपसे प्यार करना, आपकी इज्जत करना, आपकी ऑनर करना हमारा फर्ज है। और जो आखिरी बात बताने लगा हूँ मुझे है बच्चों कि एक आदमी ने सोचा कि मैं ट्रैकिंग करूँगा, लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब, तुम ट्रैकिंग नहीं कर सकते, ट्रैकिंग तुम्हारे जैसा आदमी कर सकता है, तुम्हारी वो बात क्या, तनहा क्या करता क्या हो, उसने कहा मैं टीचर हूँ, टीचर की क्या बात हो, पैसे भी नहीं मिलते, उसने कहा मेरा पैशन है, मैं अकेला हूँ 22 साल का हूँ, मैंने करना है, अच्छा कर लो जाओ। उसने सामान लिया पूरे साल की कमाई का, सामान लेके चलने लग पड़ा। उसने पूछा भाई सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा इस इलाके का, उनने कहा फलाने वाला, तो कहा कितने लोग चढ़ते हैं उसमें कितने बचते हैं, उसने कहा आधे चढ़ते हैं कुछ बच जाते हैं कुछ मर जाते हैं, उसने कहा मैं उसी भी जाऊंगा चला गया। 2000 में का नाम मुझे तो भी भूल जाता है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, उसका नाम है तारुटी हुई है, हाँ
उसका नाम है एरिक वाइनहीमर। उसने कहा कि सन 2000 में ही क्रॉस्ड माउंट एवरेस्ट और सन 2002 में प्रॉब्लमली या एक में सितंबर के महीने में ही वाज द फर्स्ट एवर ब्लाइंड पर्सन जिसने दुनिया की सातों सबसे ऊंची चोटियां क्लाइम की हुई। तो यार जहां पे एक ब्लाइंड बच्चा ये काम कर सकता है, और अगर मेरे कहने पे आप एक काम करें, आज रात को देखें कि हैंडीकैप गेम्स कैसी होती हैं या स्पेशल गेम्स। आप देखेंगे किसी की टांग नहीं है तो गलबादियां लगा रहा है, हमसे दो टांग होते नहीं लगती। फुटबॉल खेल रहे हैं दोनों टांगे नहीं है, और इतनी मोटिवेशन मिलती है उनको देखने के बाद कि आप कहते हैं कि या अल्लाह उन्हें हमें हर किस्म की चीज से नवाजा हुआ है। समटाइम्स पैसों की थोड़ी कमी बेची आ जाती है या कोई और चीजों की। तो बच्चों आपके पास सब कुछ है, आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना हमारा फर्ज है, वो हम करेंगे, उससे आपको बहुत फायदा होगा। एक आपका एतमाद बढ़ेगा, एक आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, एक आप समझेंगे बेहतर तरीके से, और इंशाल्लाह आपको फिर मिलेंगे। तो मेरा नाम शहजाद असलम, मैं एज ए डी एल जी पोस्टेड हूँ फिलहाल। मैंने केपी में 4 साल एडिशनल आईजी काम किया है, और उसके बाद से आजकल मैं इस्लामाबाद में पोस्टिंग का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी आपकी बात पूछनी हो, किसी से भी मिलना, यू विल गेट कंप्लीट गाइडेंस, और स्पेशली माय सन मोहम्मद, जस्ट टेक माय नेम, कि सर शहजाद ने कहा था तो अपने बाप की बात तो सुनी देखो, जो भी आप कहेंगे ही विल लिसन टू यू। ठीक है, कोई क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन, कोई खास स्पेशल, एनीबॉडी हु वांट्स टू आस्क, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग, बच्चों।